हेलो स्टूडेंट्स, ये बिक्स हमने आप लोगों को भेजी थी कि हैश डायग्राम में स्पेशल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं। तो यहाँ पर चार तरह के एलिमेंट होते हैं। ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है, लीस्ट एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट, ये होता है। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट देख लें पहले क्या होता है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए डेफिनेशन पढ़ें, लेट पी और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बी ए पोसेट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पी इज़ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ पी। पी का ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा इफ एक्स प्रिसीड्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पी। यानी ये जो ए है जिसको हमने कहा ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ये पी के यानी सेट के सारे एलिमेंट को क्या करेगा, सक्सीड करेगा। यानी सारे एलिमेंट जो है वो इससे इसको प्रिसीड करेंगे। सक्सीड और प्रिसीड का मतलब डायग्राम से देखेंगे तो सक्सीड का मतलब है कि ये एलिमेंट सबसे ऊपर होगा सारे एलिमेंट से, और प्रिसीड का मतलब ये होगा कि ये एलिमेंट एक्स जो है वो सारे एक्स जो है वो प्रिसीड करने का मतलब है कि सारे एक्स नीचे होंगे और ए जो है वो ऊपर होगा डायग्राम के हिसाब से। अगर देखेंगे डायग्राम में जब देखेंगे तो हम ये ऊपर और नीचे वाला केस देखेंगे, जो सबसे ऊपर होगा और यूनिक होगा। द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, यूनिक होगा। तो एक ही एलिमेंट होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, जो कि सारे एलिमेंट्स को सक्सीड करेगा तो उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट। इसी तरह से लीस्ट एलिमेंट का है, जो लीस्ट एलिमेंट अगर कोई जैसे डेफिनेशन पर पढ़ें सिमिलरली एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू पी इज कॉल्ड लीस्ट एलिमेंट इफ बी प्रिसीड्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पी। बी जो वो सारे एक्स को प्रिसीड करे, यानी सारे एक्स से नीचे रहे, सारे एक्स से पीछे रहे, तो हैश डायग्राम में जो सारे एलिमेंट से नीचे एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे लीस्ट एलिमेंट। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो है ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट दोनों एग्जिस्ट करें, एग्जिस्ट करेंगे अगर तो यूनिक होंगे, ये एक से ज़्यादा नहीं होंगे, ना ही एक से ज़्यादा ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा ना ही एक से ज़्यादा लीस्ट एलिमेंट होगा। अब बात आती है मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इसी तरह मिनिमल एलिमेंट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमल और ग्रेटेस्ट में फ़र्क है। मैक्सिमल एलिमेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन ग्रेटेस्ट एलिमेंट एक ही होगा। मैक्सिमल एलिमेंट एक से ज़्यादा अगर एक से ज़्यादा होंगे या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो एक से जब ज़्यादा होंगे तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ एलिमेंट को सक्सीड कर रहे होंगे। जैसे दो एलिमेंट हैं मैक्सिमल एलिमेंट, तो दोनों एलिमेंट कुछ ना कुछ एलिमेंट को सक्सीड कर रहे होंगे, यानी दोनों एलिमेंट के नीचे कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, इसलिए उन दोनों को मैक्सिमल एलिमेंट बोला जाएगा। और जब एक ही एलिमेंट सबसे ऊपर है तो वही ग्रेटेस्ट होगा और वही मैक्सिमल होगा। इसी तरह से मिनिमल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है कि अगर हैश डायग्राम में नीचे दो एलिमेंट हैं या तीन एलिमेंट हैं तो उन दोनों को तीनों को मिनिमल एलिमेंट बोलेंगे। लीस्ट एलिमेंट उस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा जहाँ पर दो और तीन मिनिमल एलिमेंट होंगे। लीस्ट एलिमेंट क्योंकि एक ही होता है, अब जहाँ पर एक ही लीस्ट एलिमेंट है तो उस केस में मिनिमल एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। अब अगर हम इसको डायग्राम से देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने जो नेक्स्ट इसका वो भेजा था आपको पिक, वो ये है। इसमें पहला एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे। डिटरमाइन वेदर द पोसेट रिप्रेजेंटेड बाई हैज डाइग्राम फिगर 9.5 हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट लीस्ट एलिमेंट मिनिमल एलिमेंट एंड मैक्सिमल एलिमेंट, ये कहा गया है। तो पार्ट ए में देखें 13927 है। सबसे नीचे यहाँ पर 1 है और सबसे ऊपर यहाँ पर 27 है। ऊपर और नीचे
वो तो एक देखने का तरीका है, लेकिन जो डेफिनेशन है वो यूँ है कि 27 जो है वो सबको सक्सीड करता है, और 1 जो है वो सबको प्रिसीड करता है। तो जब जो सबको सक्सीड कर रहा होगा यानी 27, वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। और यहाँ पर एक ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, जब एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है तो वही मैक्सिमल एलिमेंट हो जाता है। इसी तरह जो 1 है वो सबको प्रिसीड कर रहा है, 3 को भी, 9 को भी, 27 को भी। जहाँ जहाँ 1 का कनेक्शन होगा, 1 से जहाँ जहाँ पाथ जा रहा है, तो वो प्रिसीड करने का मतलब है, पाथ का मतलब है प्रिसीड कर रहा है। तो 1 यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट होगा और 1 यहाँ पर मिनिमल एलिमेंट भी होगा। अच्छा, फिगर बी में बात करें अगर, तो फिगर बी में 1 जो है तो वो लीस्ट एलिमेंट है और 1 ही मिनिमल एलिमेंट है। अच्छा, मैक्सिमल और ग्रेटेस्ट की बात करें तो फिगर बी में 4, 6 और 5, 5 को तिरछा करके थोड़ा सा इधर बनाया गया है राइट साइड पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 नीचे है, तिरछी लाइन बनाइए चाहे खड़ी बनाइए, वर्टिकल बनाइए, एलिमेंट जो है वो ऊपर ही माना जाएगा। तो 4, 6 और 5 यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, ये तीनों मैक्सिमल एलिमेंट कहलाएंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट सिर्फ एक होता है। तो ये तीनों मैक्सिमल एलिमेंट हैं। तो फिगर बी में ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन थी कि वो कोई भी एलिमेंट मैक्सिमल होगा जो कुछ एलिमेंट को से कुछ एलिमेंट को सक्सीड करे। जैसे 4 जो है वो 1 और 2 को सक्सीड करता है, 6 जो है वो 1, 2 और 3 को सक्सीड करता है, 6 जो है वो 4 को सक्सीड नहीं करता। अगर 4 को सक्सीड करता तो 6 जो है वो 4 से ऊपर हो जाता। तो मैक्सिमल एलिमेंट सिर्फ सिर्फ 6 और 5 होते हैं, 6 जो है वो 5 को भी सक्सीड नहीं करता। अगर 6 जो है वो 4 और 5 दोनों को सक्सीड करता तो 6 जो है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट बन जाता। तो 4, 6 और 5 यहाँ पर जो है वो क्या है, आपके मैक्सिमल एलिमेंट है। फिगर बी में कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। इसी तरह फिगर सी में देखिए, 2 और 3 यहाँ 2 नीचे एलिमेंट है, इसी तरह 12 और 18 ऊपर है। 2 और 3 यहाँ पर मिनिमल एलिमेंट है, यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट नहीं है फिगर सी में। फिगर सी में लीस्ट एलिमेंट नहीं है क्योंकि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सबसे नीचे हो। बनाने में हम पॉइंट्स, जैसे 3 पॉइंट है 2 के हमने पैरेलल, जैसे बुक में 2 और 3 आपस में एक ही लेवल पे बनाए गए हैं, अगर हम थोड़ा सा ऊपर भी बना देते हैं, 3 को हम ऊपर बना दें, तो उसका मतलब ये नहीं हो जाएगा बनाने से कि 2 जो है नीचे हो गया सबसे। नहीं, एक लाइन होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए जो 2 और 3 को ऊपर और नीचे दिखाएगा। यहाँ 2 और 3 के बीच में कोई भी पाथ नहीं है, इसलिए 2 और 3 दोनों नीचे माने जाएंगे, 2 और 3 दोनों मिनिमल माने जाएंगे, क्योंकि 2 और 3 दोनों कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को प्रिसीड कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को मिनिमल बोला जाएगा। लीस्ट एलिमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि लीस्ट एलिमेंट वो सबको प्रिसीड करता है। तो 2 और 3 यहाँ पर मिनिमल एलिमेंट हो गए। इसी तरह 12 और 18 यहाँ पर मैक्सिमल एलिमेंट कहलाएंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। फिगर सी में ना ही लीस्ट एलिमेंट है और ना ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। फिगर सी में 2 मिनिमल एलिमेंट है, 2 और 3, और 12 और 18 दीज आर 2 मैक्सिमल एलिमेंट्स। इसी तरह फिगर डी में देखिए, ए बी सी डी इस तरह से है। डी जो है तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और मैक्सिमल एलिमेंट भी डी है, ठीक। इसी और ए और बी यहाँ पर मिनिमल एलिमेंट है, ए और बी दोनों मिनिमल एलिमेंट हैं। इन फिगर डी में कोई भी लीस्ट एलिमेंट नहीं है, लीस्ट एलिमेंट वो होता है जो सब को प्रिसीड करता है, सबसे नीचे होता है, सबसे पीछे होता है। प्रिसीड का मतलब सबसे नीचे। तो ए और बी दोनों जो है वो सेम लेवल पे हैं, ना ही ए बी से नीचे है ना बी
ए से नीचे ना ए बी से नीचे, तो ए और बी में से कोई भी एलिमेंट को हम लीस्ट नहीं बोलेंगे। ए और बी दोनों ग्रेटेस्ट, ए सॉरी ए और बी दोनों मिनिमल एलिमेंट बोले जाएंगे। डी जो है यहाँ पर वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, और डी ही यहाँ पर मैक्सिमल एलिमेंट भी है। अच्छा, फिगर ई में देखिए, फिगर ई में ए जो है वो मिनिमल एलिमेंट है, और ए ही जो है यहाँ पर वो लीस्ट एलिमेंट भी है। इसी तरह फिगर सॉरी ये जो एफ है, फिगर ई में जो एक ऊपर सबसे ऊपर एफ है, एफ वर्टेक्स जो दे रखा हुआ है, एफ जो है तो एफ जो है तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि एफ जो है वो सारे एलिमेंट को सक्सीड कर रहा है, सारे एलिमेंट से ऊपर है, इसलिए एफ को ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोलेंगे, और एफ को ही मैक्सिमल एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमल एलिमेंट की भी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। मैक्सिमल एलिमेंट क्या की डेफिनेशन क्या होती है, कि वो एलिमेंट को मैक्सिमल बोलेंगे जो जो अपने नीचे वालों को सक्सीड कर रहा हो। यहाँ पर एफ जो है वो सबको सक्सीड कर रहा है, इसलिए एफ जो वो मैक्सिमल भी है और ग्रेटेस्ट भी है। फिगर ई में एफ मैक्सिमल एंड ग्रेटेस्ट बोथ दोनों हैं। अब आते हैं फिगर एफ में, बात करते हैं। फिगर एफ में जो फाई है, फिगर एफ जो है वो सबसेट के ऊपर बना हुआ है। हमने इसका एग्जांपल आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी था। तो फिगर सी में जो फिगर एफ में जो है फाई जो है ये आपका मिनिमल एलिमेंट है, और यही लीस्ट एलिमेंट है, क्योंकि फाइव जो है वो सबको प्रिसीड कर रहा है, इसलिए ये लीस्ट एलिमेंट है। दूसरी बात, ए बी सी डी जो सबसे ऊपर वाले वर्टेक्स जो कर्ली ब्रेसिस में एलिमेंट लिखे हुए, ए बी सी एक सेट लिखा हुआ है, ये जो सेट है वो सबसे बड़ा सेट है, सारे सबसेट इसके अंदर हैं, और अंदर होने से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर प्रिसीड और सक्सीड से होता है। ए बी सी ये सबको सक्सीड कर रहा है, सारे सेट को, और यही मैक्सिमल एलिमेंट भी है, और क्योंकि यहाँ एक ही एलिमेंट है सबसे ऊपर, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हुआ और यूनिक हुआ। एक है, एक होने का मतलब यूनिक से, हमारा मतलब एक से यूनिक, यूनिकनेस से है, तो अगर एक एलिमेंट है तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, और यही एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट कहलाएगा। अच्छा, तो इसका एक्सप्लेनेशन जो हमने दिया वो नीचे यहाँ सॉल्यूशन में लिखा गया है, जो कुछ हमने बताया कि कौन से डायग्राम में कौन सा एलिमेंट मैक्सिमल है, कौन सा एलिमेंट मिनिमल है, कौन सा ग्रेटेस्ट है। फिगर सी में जैसे ना ही कोई लीस्ट एलिमेंट है और ना ही कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो ये फिगर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एलिमेंट मिनिमल और मैक्सिमल है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद में आपका वेल ऑर्डर सेट है, अ सेट विच अ सेट विद एन ऑर्डरिंग रिलेशन इज वेल ऑर्डर इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट हैज लीस्ट एलिमेंट। ध्यान से देखिएगा, वेल ऑर्डर सेट किसको बोलेंगे? एक सेट है जिसमें वेल ऑर्डर ऑर्डरिंग रिलेशन है, इसको वेल ऑर्डर कब बोला जाएगा? इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, तो किसी भी सेट को हम वेल ऑर्डर तब बोलेंगे जब उसके सबसेट लिए जाएं, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट लिए जाएं, और हर सबसेट का लीस्ट एलिमेंट मिल जाए, हैज अ लीस्ट एलिमेंट। हर सबसेट का लीस्ट एलिमेंट अगर मिल जाता है तो हम उसको बोलेंगे वेल ऑर्डर सेट। अब इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी इसी में दिया, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज वेल ऑर्डर। वेल ऑर्डर क्यों वेल ऑर्डर है? क्योंकि हम अगर नेचुरल नंबर के कोई भी सबसेट बनाएंगे, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब अगर हम इनके नेचुरल नंबर के सबसेट बनाएंगे, तो जो भी सबसेट बनेगा उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब 1 से क्या होंगे? बड़े होंगे, इसलिए 1 जो है तो
लीस्ट एलिमेंट होगा। तो सारे इसमें जो क्या नाम है, वेल ऑर्डर की जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, सेट विद एन ऑर्डरिंग रिलेशन, एक ऑर्डर का रिलेशन हो उसको वेल ऑर्डर बोला जाएगा। इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ सेट हैज अ लीस्ट एलिमेंट, तो जो भी हम सबसेट बनाएंगे, जो भी हम सबसेट बनाएंगे उसमें देखेंगे, ठीक है, वन से नहीं मतलब है, जो भी हम यहाँ पर सबसेट बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि लीस्ट एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे हमने 2, 3, 4, 5 का एक सबसेट बनाया तो 2 जो है वो लीस्ट एलिमेंट होगा। कोई भी हम सबसेट बनाएंगे उसमें हमें लीस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, तो हम नेचुरल नंबर के सेट को वेल ऑर्डर सेट बोल सकते हैं। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया, द सेट ऑफ इंटीजर जेड इज नॉट वेल ऑर्डर, जेड जो वो वेल ऑर्डर नहीं है। क्यों नहीं है? सिंस द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर विच इज अ सबसेट ऑफ जेड, जैसे इन्होंने नेगेटिव इंटीजर का वो ले लिया, सेट ले लिया, पूरे इंटीजर में से नेगेटिव इंटीजर का सेट बनाया, सबसेट बनाया, तो इसमें कोई भी एलिमेंट जो वो लीस्ट एलिमेंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम नेगेटिव इंटीजर का सबसेट जब बनाएंगे तो उसमें -1 से छोटा -2 है, -3 भी से छोटा, उससे छोटा -4 है, तो बहुत ही माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, तो माइनस इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए बोल देंगे हैज़ नो लीस्ट एलिमेंट। तो दो एग्जाम्पल थे यहाँ पर वेल ऑर्डर सेट के लिए कि नेचुरल नंबर का सेट जो है वेल ऑर्डर है और सेट ऑफ इंटीजर जो है वो वेल ऑर्डर नहीं है। नेचुरल नंबर का सेट वेल ऑर्डर क्यों है ये बताया गया, और सेट ऑफ इंटीजर वेल ऑर्डर नहीं है तो क्यों नहीं है ये यहाँ पर बताया गया। अब हम लोग अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड देखेंगे। लेट कैपिटल बी अ सबसेट ऑफ पोसेट ए, एक पार्शियल ऑर्डर सेट है उसका हमने सबसेट लिया, ठीक। एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ बी, बी का अपर बाउंड, जैसे हमने एक पार्शियल ऑर्डर सेट हमारे पास ए है और इसका हमने सबसेट बनाया बी। अब ए के एलिमेंट को हम बोलेंगे अपर बाउंड, क्यों बोलेंगे? अगर जो सबसेट है, सबसेट के सारे एलिमेंट को अगर सक्सीड करने वाला एलिमेंट ए में है तो हम उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, अपर बाउंड बोलेंगे। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक सबसेट और एक सेट है। जो सबसेट है उसके सारे एलिमेंट को अगर सक्सीड करने वाला एलिमेंट ए के अंदर है तो जो एलिमेंट ए के अंदर है उसको हम बोलेंगे अपर बाउंड, हो सकता है एक से ज़्यादा हो तो उन सारे एलिमेंट को अपर बाउंड बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह सेट बी में जो भी एलिमेंट है उन उनको प्रिसीड करने वाले एलिमेंट मिल जाए, यानी उनसे लोअर डिग्री के एलिमेंट मिल जाए ए में, तो उन सब को बोलेंगे लोअर बाउंड ऑफ बी, ठीक, लोअर बाउंड ऑफ बी। इफ देखो यहाँ पे लिखा है एन एलिमेंट स्मॉल एल बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ बी इफ एल प्रिसीड्स एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एल जो वो बी के सारे एलिमेंट को प्रिसीड करे तो हम उन सबको लोअर बाउंड बोलेंगे। तो यहाँ पर अपर बाउंड और लोअर बाउंड किसी सबसेट का निकाला जाता है। अब वो सबसेट कहाँ का होता है? वो पोसेट का सबसेट होता है, तो पोसेट का सबसेट बनाएंगे और उस सबसेट के हम लोग अपर और लोअर बाउंड ढूंढेंगे। अपर और लोअर बाउंड वही हैज डायग्राम से मिलेंगे क्योंकि वही पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से ही हैज डायग्राम बना है। तो अपर बाउंड का मतलब हुआ कि किसी सबसेट के सारे एलिमेंट से जो सक्सीड करता हुआ जो एलिमेंट होगा वो अपर बाउंड में आएगा, और बी को प्रिसीड करने वाले एलिमेंट को हम लोअर बाउंड बोलेंगे। अच्छा, अपर बाउंड और लोअर बाउंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उन अपर बाउंड में सबसे जो छोटा वाला एलिमेंट होगा, सबसे छोटा, उसको बोला जाएगा लीस्ट अपर बाउंड।
इसी तरह से लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होगा उसको बोला जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक। अच्छा, तो लीस्ट एक नाम और है, लीस्ट अपर बाउंड को बोला जाएगा सुप्रीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को बोला जाएगा इन्फिमम। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने अंडरलाइन भी करे हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटेड। पहला पॉइंट है, अ सबसेट बी ऑफ अपोजिट मे और मे नॉट हैव अपर और लोअर बाउंड। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई सबसेट बना रहे हैं तो उसके अपर और लोअर बाउंड मिल जाए या दोनों ही मिल जाए। दूसरा पॉइंट, एन अपर और लोअर बाउंड मे और मे नॉट बिलोंग टू बी इटसेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि जो अपर बाउंड है और लोअर बाउंड है वो बी के अंदर ही हो, वो बी के बाहर का भी हो सकता है। ये पार्शियल ऑर्डर सेट में ही होगा। बी जो है, कैपिटल बी जो है वो कैपिटल ए का सबसेट है, तो कैपिटल बी के अंदर भी अपर बाउंड हो सकते हैं और कैपिटल बी के बाहर, यानी कैपिटल ए के अंदर तो है ही है सब कुछ है, तो बी के बाहर भी हो सकते हैं। तीसरा, दियर कैन बी मोर देन वन अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ अ सेट। तो एक से ज़्यादा भी अपर बाउंड, जो हमने ऊपर भी बताया था कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं अपर बाउंड, जो एलिमेंट बी के एलिमेंट को सक्सीड करेंगे वो अपर बाउंड होंगे, जो एलिमेंट बी के एलिमेंट को प्रसीड करेंगे वो लोअर बाउंड की कैटेगरी में आएंगे, और जो अपर बाउंड बहुत सारे अगर हैं उन सब में जो छोटा होगा वो लीस्ट अपर बाउंड, और लीस्ट अपर बाउंड को ही सुप्रीमम बोला जाएगा। लीस्ट अपर बाउंड के लिए दूसरा नाम है सुप्रीमम। इसी तरह लोअर बाउंड बहुत सारे होंगे अगर, तो उन लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा वाला होगा, सबसे बड़ा, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोला जाएगा और उसको बोला जाएगा इन्फिमम। तो ये चीज़ हो गई, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 13। इन द पोसेट कैपिटल ए दे रखा है 1 से लेकर 10 तक के, और जो रिलेशन है, जो ऑपरेशन है वो डिवीजन का है, द सबसेट 2,7। अब इसी का सबसेट बनाया, देखिए 1 से 10 तक के एलिमेंट थे, इसी का ही सबसेट बनाया 2 और 7। अब कह रहे हैं 2 और 7 का कोई अपर बाउंड नहीं है, क्यों नहीं है ये देखना है हमें। अपर बाउंड वो होता है जो इन दोनों से को सक्सीड कर रहा हो। यहाँ पर सक्सीड का मतलब ऑपरेशन से लिया जाएगा, यहाँ पर ऑपरेशन डिवीजन का है, तो 2 और 7 किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे इस सेट के दोनों साथ साथ। 2 और 7 दोनों ही किसी नंबर को जो ए के अंदर है, ए के अंदर 1 से लेकर 10 तक हैं, तो 1 से 10 तक के कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 और 7 दोनों लोग डिवाइड कर रहे हो साथ में। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है, सिंस देयर इज नो इंटीजर इन ए विच इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 7। ये नहीं कहेंगे 4 और 8 हैं, 2 जो उनको डिवाइड कर रहा, नहीं, 2 और 7 दोनों से डिवाइड होगा जो एलिमेंट, तो वो एलिमेंट 2 और 7 का अपर बाउंड बनेगा। लेकिन यहाँ पर नंबर 10 तक ही दे रखे हुए हैं और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है यहाँ पर जो 2 और 7 दोनों से डिवाइड हो, इसलिए यहाँ पर अपर बाउंड नहीं है। अगर 14 तक नंबर दे रखे होते तो 2 जब वो 14 को डिवाइड करता और 7 भी 14 को डिवाइड करता, तो उस केस में 14 जो है वो अपर बाउंड बन जाता, लेकिन यहाँ नंबर सिर्फ 10 तक दे रखे हैं। नाउ द लोअर बाउंड ऑफ द सबसेट, 2 और 7 का हमें लोअर बाउंड देखना है, तो 2 और 7 को जब हम अपर बाउंड देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2 और 7 किसको डिवाइड कर रहे हैं, लोअर बाउंड देखेंगे तो हम ये देखेंगे कौन इनको डिवाइड कर रहा है, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है 1 के अलावा जो इनको डिवाइड कर रहा हो। जैसे 1 है, यहाँ पे लिखा है कि लोअर बाउंड ऑफ द सबसेट इज 1 सिंस 2 एंड 7 आर डिविजिबल बाई ओनली 1, यानी 1 जो है वो इन इन दोनों को प्रिसीड कर रहा है, इसलिए 1 जो है वो लोअर बाउंड हुआ, और यहाँ पर 1 जो है एक ही अकेला एलिमेंट है, इसलिए 1 इज द, यानी 1 से छोटा और कोई नहीं है, तो 1 से छोटा नहीं है, तो 1 जो है क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर
बाउंड हो जाएगा। अगर वन से छोटा हम देखें, माइनस वन, माइनस वन जबकि ए का एलिमेंट नहीं है, माइनस वन जो वन से छोटा है और माइनस वन भी डिवाइड करता है टू और सेवन को, तो लोअर बाउंड बहुत सारे से मिल सकते हैं। बहुत सारे से क्या, खाली माइनस वन ही मिलेगा? माइनस वन ही खाली टू और सेवन दोनों को डिवाइड करेगा, तो वन और माइनस वन में जो बड़ा है वो जो है तो वो वन है तो दोनों लोअर बाउंड। बड़ा कौन हुआ? वन हुआ, इसलिए ग्रेटेस्ट हो गया, और है दोनों लोअर बाउंड तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। तो वन इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फॉर 2.7। 2.7 जो लिखा हुआ सबसेट लिखा हुआ है, तो दैट इज करके लिखा हुआ है जी एल बी। जी एल बी का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ कर्ली ब्रेसेस लगे हुए, 2.7 इज इक्वल टू 1। इसी तरह दूसरा सबसेट बनाया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दूसरा सबसेट बनाया 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 को देखना है कि इनका अपर बाउंड कौन सा है। तो 1, 2, 3 जिन नंबरों को डिवाइड करेंगे इकट्ठे, तीनों नंबर जिन नंबरों को डिवाइड करेंगे वो नंबर हो जाएंगे अपर बाउंड। और वो नंबर यहाँ इसी 1 से 10 में देखना है। तो 1 से 10 में कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 1, 2, 3 डिवाइड करेंगे? तो खाली 6 ही ऐसा नंबर है जिसको 1, 2, 3 तीनों नंबर डिवाइड करेंगे। तो 1, 2, 3 का अपर बाउंड खाली एक एलिमेंट आया जो कि 6 है। अब हम देखेंगे इसके लोअर बाउंड कौन कौन से हैं। तो 1, 2, 3 तीनों किस एलिमेंट से डिवाइड हो रहे हैं? लोअर बाउंड के लिए हम क्या देखते हैं कि 1, 2, 3 किसको सक्सीड कर रहे हैं, ठीक है? जब हम अपर बाउंड का केस देखते हैं तो क्या देखते हैं, 1, 2, 3 किसको प्रिसीड कर रहे हैं। लोअर बाउंड के केस में क्या देखते हैं कि 1, 2, 3 किसको सक्सीड कर रहे हैं। अब हम सक्सीड का मतलब 1, 2, 3 किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 1, 2, 3 तीनों जो है वो 1 से ही डिविजिबल हो रहे हैं, इसलिए लोअर बाउंड जो है वो 1 हो जाएगा। अच्छा, इसलिए लिखा हुआ है हेंस एल यू बी इज इक्वल टू एल यू बी ऑफ 1, 2, 3 एंड जी एल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 1, 2, 3 आर 1। तो लीस्ट अपर बाउंड 6 हो जाएगा, 6, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा सबसेट बनाया, 1, 2, 4 तीन एलिमेंट लिए हैं, तीनों एलिमेंट जिन जिन एलिमेंट को डिवाइड करेंगे वो एलिमेंट अपर बाउंड हो जाएंगे। 1, 2, 4 जो है वो 4 और 8 दोनों को डिवाइड करेंगे। ये तीन एलिमेंट हैं, कौन कौन से? 1, 2 और 4, ये तीन एलिमेंट जो है दोनों नंबरों को 4 और 8 को डिवाइड करेंगे, इसलिए 1, 2 और 4 का अपर बाउंड कौन कौन हो जाएगा? 4 और 8 हो जाएंगे। अच्छा, ये दो अपर बाउंड हुए, इसमें से छोटा कौन सा हुआ? 4 हुआ, तो इसका एल यू बी कितना हो गया? 4 हो जाएगा। इसी तरह 1, 2, 4 का लीस्ट अपर बाउंड निकाल सकते हैं, 1, 2, 4 को कौन डिवाइड करेगा? जब हम अपर बाउंड निकालते हैं तो हम देखते हैं कि 1, 2, 4 से कौन डिवाइड होगा, और जब हम लोअर बाउंड निकालते हैं तो हम देखते हैं 1, 2, 4 को कौन डिवाइड करेगा। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट जो 1, 2, 4 को डिवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है कि लोअर बाउंड कौन कौन से हैं 1, 2, 4 के। 1, 2, 4 का जो लोअर बाउंड है वो 1 आएगा, और वही एक अकेला लोअर बाउंड होगा जो अपने आप में बड़ा होगा, इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 1, 2, 4 इज 1, जो कि यहाँ लिखा नहीं है। तो ये जो है, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फिमम, वेल ऑर्डर सेट, ये सब आप इसको पढ़िए और दोबारा से इसको सुनिए। अगर कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए उस चीज़ को।